वीडियो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू मेक ब्राइटर फेस पैक फॉर फेयर एंड ग्लोइंग स्किन। गाइस, ये जो मैं फेस पैक आप लोगों को बनाना दिखाऊंगी ये खास करके ब्राइड्स के लिए है। ब्राइड्स को बहुत ही कम टाइम होता है और उनको बहुत ही क्विक रिजल्ट चाहिए होता है। उनको ये भी चाहिए कि कोई भी प्रोडक्ट या फेस पैक से उनका कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। तो गाइस, ये जो फेस पैक आप लोगों को मैं आज दिखाने वाली हूँ ये बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही ईजी। तो ये फेस पैक आप अगर यूज़ करेंगे, ये अगर परमानेंटली यूज़ करेंगे, आपका फेस का कॉम्प्लेक्शन भी बदल सकता है और ये बहुत ही यूज़ करने के बाद फेस आपका ग्लोइंग और फेयर बनाएगा। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आप लोगों को अगर कोई भी जानकारी चाहिए आप कॉमेंट्स करके मुझे बोल सकते हैं, और मैं जो जो यूज़ करूँगी वीडियो में, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करूँगी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो गाइस, लेट्स चेक आउट द वीडियो। मैं ये फेस पैक बनाने के लिए 2 टेबल चम्मच यहाँ पे बेसन का यूज़ करूँगी। आपको तो पता ही है बेसन हमारा स्किन से कोई भी ऑयल डस्ट को दूर करके हमारा स्किन को गोरा बनाता है। और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी 1 टेबल स्पून योगर्ट, यानी कि दही। दही भी हमारा स्किन को ग्लोइंग बनाने में फेस को मदद करता है। और मैं यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पे गाइस पतंजलि का सुंदर या एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो बाजार का कोई भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। ये भी चाहिए हमको 1 टेबल स्पून, और चाहिए गाइस हम आपको शेयर यानी कि हनी। हनी भी हमारा स्किन को मॉइस्चर करने में बहुत ही मदद करता है और स्किन को बहुत ही मॉइस्चर करता है, अच्छा करता है। और गाइस, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 1 चुटकी हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर, वो यूज़ करेंगे 1/2 टेबल स्पून। हल्दी आपको तो पता ही है, पहले से ही बहुत ही प्राचीन काल से हल्दी का यूज़ होता है फेस को गोरा बनाने में, तो मैं यहाँ पर हल्दी यूज़ किया हूँ। और गाइस, हमको चाहिए, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ऑयल फ्लेम का प्यूरिफाइंग टोनर। आप चाहे तो बाजार का कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून टोनर यूज़ करूँगी, क्योंकि टोनर गाइस फेस को बहुत ही फेस वॉश के बाद टोनर यूज़ करते हो तो बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे मैं टोनर यूज़ कर रही हूँ। गाइस, यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून गुलाबी जेल दे रही हूँ। गुलाबी जेल आप लोगों को तो पता ही है स्किन को बहुत ही हेल्दी बनाता है, और ये भी एक टोनर का काम करता है, बहुत ही अच्छा बनाता है स्किन को और हेल्दी भी लुकिंग देता है। और मैं गाइस यहाँ पे दूंगी मैं 1 विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल गाइस बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए, और ये फेस सीरम बनाने में भी बहुत काम आता है। यहाँ पर मैं विटामिन ई कैप्सूल दे रही हूँ क्योंकि ये फेयर स्किन बनाने के लिए, फेयर स्किन बनाने में बहुत ही मदद करता है, 1 विटामिन ई कैप्सूल की। और गाइस, मैं दे रही हूँ 1 टेबल स्पून नींबू का रस। नींबू का रस तो गाइस आपको पता ही है, नींबू का जो लेमन जूस होता है वो फेयर बनाने में बहुत ही मदद करता है। यहाँ पे नींबू का रस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये फेयर स्किन के लिए है और ये ब्राइड्स के लिए है। नींबू का रस फेयर बनाने में बहुत ही मदद करता है और हमारा स्किन को फेयर और ग्लोइंग बनाते हैं। तो फेस में यहाँ पे साइट्रिक एसिड रहता है, तो इसीलिए बहुत ही अच्छा होता है फेस के लिए। तो गाइस, मेरा फेस पैक आप लोग देख सकते हो, मेरा फेस पैक तैयार हो गया है। अभी मैं अभी फेस पैक बनाई हूँ, ये मैं आप लोगों को मेरा फेस पे दिखा रही हूँ। तो गाइस, मैं अभी वॉश कर रही हूँ।
वीडियो अच्छा लगा है प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बोल सकते हो। हेलो, बाय गाइस।